Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Salar Khan YouTube channel, where today we discuss about the resolution of a vector. ठीक है जी, तो heading मैं देता हूँ the resolution of a vector. और basically ये into its rectangular components है, लेकिन चले वो आपको समझ आ जाएगी. Resolution of a vector. तो ये क्या होता है? तो अगर मैं सबसे पहले आपको लिख दूं कि this is opposite to what? Opposite to the addition of a vector. तो अब तो आपके पास समझ आ गई होगी जी. तो एडिशन क्या होता है? टू कंबाइन टू और मोर वेक्टर्स. इसमें रेजोल्यूशन ऑपोजिट है, तो कॉम्बिनेशन का ऑपोजिट स्प्लिटिंग. तो वी विल स्प्लिट अ वेक्टर इनटू टू और मोर कंपोनेंट्स. तो चलिए लिखते हैं डेफिनेशन. द स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू टू or more components is called what? Is called the resolution of a vector. Two or more. तो two हमारा काम का जो है ये two है. क्यों? क्योंकि हम two dimensional space की बात करेंगे. जब more की हम बात करते हैं तो हम more dimensions की बात करते हैं. For example 3D space है तो उसमें फिर तीन components होंगे. अच्छा, components क्या होते हैं? तो component होता है जी the projection along any axis. Component is the projection of a vector along any axis. अच्छा, projection क्या होता है जी? तो projection होता है shadow या साया. For example, चले आपको मैं समझाता हूं. Any axis of the coordinate system, ठीक है जी. अच्छा, अब ये है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये प्लस एक्स एक्सिस है, ये प्लस वाई एक्सिस है. अब एक वेक्टर है, जो भी है, लेट्स से ए वेक्टर है, ए वेक्टर. तो इस वेक्टर को अगर आप देखें, इधर से इस वेक्टर के हेड से अगर आप परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करें ऑन बोथ द एक्सिस, अगर इस वेक्टर के हेड से आप परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करें ऑन बोथ द एक्सिस, तो ये देखिए, ये जो है ये वाला, ये इस वेक्टर का प्रोजेक्शन है अलोंग द एक्स एक्सिस, या इस वेक्टर का कंपोनेंट है अलोंग द एक्स एक्सिस. और ये वाला जो है, तो ये देखिए, ये इस वेक्टर का शेडो है, या इस वेक्टर का प्रोजेक्शन है, या इस वेक्टर का कंपोनेंट है अलोंग द वाई एक्सिस. ठीक हो गया जी? बिल्कुल ठीक हो गया. तो ए, तो इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं? हम लिखते हैं ए एक्स इज द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस. यानी कि कोई भी वेक्टर हो तो उसके सबस्क्रिप्ट में हम एक्स लगा देते हैं. ए वाई इज द कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, और ए जेड इज वुड बी द कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस, जो कि हमारे कोर्स में नहीं है. ठीक हो गया जी? बिल्कुल ठीक हो गया. अच्छा, तो लेट सपोज आपको जो ये ए है, इसका मैग्नीट्यूड आपको नोन है, और आपको चाहिए है द कंपोनेंट्स ऑफ दैट वेक्टर. तो मैं अगर एक हेडिंग दू कंपोनेंट्स, फाइंडिंग कंपोनेंट्स इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज नोन. तो ये देखे, आपको ये नोन है, ठीक है, और ये थीटा भी आपको नोन है जी. ये थीटा जो होता है, ठीक हो गया, ये थीटा भी आपको नोन है. तो जो एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने इसको नाम दिया ए एक्स, और ये जो मैंने नाम दिया ए वाई, तो क्या आप इससे फाइंड नहीं कर सकते एक्स और ए वाई? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं. तो ये हम फाइंड करते हैं जी फ्रॉम द ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा और कॉस थीटा. तो ये देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया कि नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया. तो देखिए, ये इसका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया. तो कॉस ऑफ थीटा क्या होता है जी? कॉस ऑफ थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं होता? तो इसका मतलब जो आपका कॉस ऑफ थीटा है, दैट इज ए एक्स अपॉन द हाइपोटेन्यूज इज ए.
समझ आई? बिल्कुल आई। तो इसका मतलब इधर से आप x कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं ना, ए एक्स आपके पास आ जाएगा क्या चीज, ए टाइम्स कॉस ऑफ थीटा, बिल्कुल ठीक हो गया। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं होता, इसमें परपेंडिकुलर क्या है, ए वाई, ये लेंथ और ये लेंथ सेम है कि नहीं है, ए वाई अपॉन ए है कि नहीं है, क्या आप इधर से y कंपोनेंट फाइंड नहीं कर सकते, ए वाई इज द मैग्नीट्यूड a टाइम्स साइन ऑफ थीटा, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया, अगर आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर नोन हो तो उससे आप उसके दोनों कंपोनेंट्स किस तरह फाइंड कर सकते हैं। अब इसको लिखना किस तरह है जी, तो इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म आप किस तरह लिखेंगे जी, इन वेक्टर फॉर्म, तो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है जी, ए वेक्टर है, इसका एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट क्या है, ए कॉस ऑफ थीटा है कि नहीं है, बिल्कुल है। अगर मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूं, एक वेक्टर अगर होगा वो होगा ए एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई इंटू जी यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड इंटू के यूनिट वेक्टर, होगा कि नहीं होगा। तो इस वेक्टर को जो मुझे गिवन है इसको मैं लिख सकता हूं, इसका एक्स कंपोनेंट है ए कॉस ऑफ थीटा इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस ए साइन ऑफ थीटा इंटू जे यूनिट वेक्टर, के इसमें नहीं है, क्यों, क्योंकि जेड एक्सिस हमारे पास नहीं है। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल गिवन हो, लेट से एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूं कि से दैट द फोर्स इज, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो 20 न्यूटन है एंड एंगल जो ये बना रहा है तो ये 30 डिग्रीज है, तो इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखे, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपके पास एफ तो है, थीटा भी है, तो सबसे पहले एफ कॉस ऑफ थीटा, एफ साइन ऑफ थीटा चाहिए, तो सबसे पहले आप मालूम करें जी cos of theta, यानी के cos of 30 degrees मालूम करें, जो भी आता है sin of 30 degrees मालूम करें, क्या आता है जी cos of 30.86 sin of 30.5, ये आता है जी 0.86, ये आता है जी 0.5, इसमें इसको इधर पुट कर दे जी, सिंपल सी बात है, यानी के जो फोर्स होगा इन द वेक्टर फॉर्म दैट वुड बी 20 मल्टीप्लाइड cos of theta 0.86 इनटू आई यूनिट वेक्टर प्लस 20 into sine of 30 is 0.5 into j unit vector. Multiply करें जी, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये एंगल जो था थीटा, this angle was with respect to the x axis. Basically इसी तरह होता है, basically इसी तरह होता है कि angle is with x axis. लेकिन कंफ्यूज तो आपको किया जा सकता है, तो कंफ्यूज आपको किधर किया जा सकता है, अगर आपको गिवन हो एंगल विद दी वाई एक्सिस, तो अगर एंगल विद दी वाई एक्सिस गिवन हो तो क्या करेंगे, इससे पहले यूनिट वेक्टर को जरा देखें कंपोनेंट फॉर्म में, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, तो हम, मैंने आपको बताया किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए तरीका जो है वो ये है। अब यूनिट वेक्टर को मैं किस तरह लिखूं, तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस को हम कॉस ऑफ थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस को हम साइन ऑफ थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्यों करते हैं, सो दिस इज बेसिकली फ्रॉम द यूनिट सर्कल। लेट सपोज एक कॉर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, एक कॉर्डिनेट सिस्टम है, इसको आपने एक सर्कल इसमें बनाया, चले बना तो नहीं लेकिन चले जो भी है, एक सर्कल बनाया, अब इसका ये एक रेडियस है कि नहीं है, बिल्कुल है, इधर से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, तो ये देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना, तो ये एक थीटा है, बिल्कुल है, ये 90 डिग्रीज है, ये बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, तो इधर से देखे साइन ऑफ थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो परपेंडिकुलर ये y है, ये x है, ठीक है जी, तो y अपॉन r, और cos ऑफ थीटा जो है वो बेस x अपॉन r होता है, ठीक हो गया जी, बिल्कुल होता है। अब मैं इधर से ये नहीं लिख सकता कि y इज इक्वल टू r sin ऑफ थीटा और इधर से x इज इक्वल टू R cos of theta, तो अगर अब मैं यूनिट सर्कल की बात करूं, यूनिट सर्कल के लिए R 1 होता है जी, यूनिट सर्कल
वो सर्कल होता है जिसका रेडियस 1 होता है, तो इसका मतलब कि y जो है वो sin थीटा आ जाएगा और x जो है वो cos थीटा आ जाएगा। तो इसका मतलब कि यूनिट वेक्टर आप किस तरह लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर की कंपोनेंट्स फॉर्म में, इन कंपोनेंट्स फॉर्म। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको u से रिप्रेजेंट करता हूं विद अ कैप, सो दिस वुड बी cos ऑफ थीटा इनटू r यूनिट वेक्टर और प्लस sin ऑफ थीटा इनटू j यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक। अब आता हूं जी उधर, अगर एंगल आपको गिवन हो विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, तो फॉर एग्जांपल ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है जी, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। अब फॉर इंस्टेंस ये एक वेक्टर है, ठीक हो गया जी, ये एक वेक्टर गिवन है आपको, लेट से ए वेक्टर है, तो और एंगल जो है आपको इधर गिवन है, लेट से ये अल्फा है, ठीक हो गया। तो इसका जो ये एक प्रोजेक्शन बनेगा और दूसरा वाला ये वाला बनेगा ऑफ कोर्स अगेन, तो इसका मतलब है कि एक तो ये है एक ये है, लेकिन अब इसमें डिफरेंस होगा। डिफरेंस क्या होगा, लेट से इसको मैं ए वाई कहता हूं और ये वाला ए एक्स है, जो कि द सेम एज दिस वन है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल से अगर आप फाइंड करते हैं ए वाई और ए एक्स, तो दैट वुड बी डिफरेंट। वाई बिकॉज नाउ दिस इज एक्टिंग एज द बेस एंड द ऑपोजिट ऑफ द एंगल इज द परपेंडिकुलर। एंगल जिस एक्सिस के साथ होता है उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हैं उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल का। या परपेंडिकुलर इज द साइड ऑपोजिट टू द गिवन एंगल। तो अब देखें, अब अगर आप लिखते हैं इसी तरीके से कंपोनेंट्स इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज नोन, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा इस बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं, इसमें बेस जो है ए वाई है और जो हाइपोटेन्यूज है वो ए है। तो देखे इधर से क्या ए वाई इज इक्वल टू ए टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा नहीं आएगा, बिल्कुल आ गया। तो इसका मतलब इधर वाई कंपोनेंट में अल्फा आ गया, कॉस ऑफ अल्फा आ गया, ठीक हो गया। सिमिलरली जो साइन ऑफ अल्फा होगा ये अल्फा है, दैट वुड बी नाउ ए एक्स अपॉन ए, जिसका मतलब अभी एक्स कंपोनेंट में आपके पास साइन आ गया, ए एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स साइन ऑफ अल्फा। समझ आई। तो अब आप क्या कर सकते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में करने के लिए, अगेन आप क्या करते हैं जी वेक्टर फॉर्म, ए वेक्टर is ax into r unit vector plus ay into j unit vector, जिसका मतलब a vector जो होगा ax क्या है जी a sin of alpha into r unit vector और plus ay क्या है जी a cos of alpha into j unit vector। समझ आई, बिल्कुल आई। अब यही example आप इधर repeat कर सकते हैं ना, यही एग्जाम्पल आप इधर रिपीट कर सकते हैं और इसका आप मुझे आंसर होमवर्क में बता सकते हैं। एग्जाम्पल है कि से अगेन अ फोर्स एफ का मैग्नीट्यूड इज 20 यूनिट एंड द एंगल अल्फा इज दिस टाइम 30 डिग्रीज, तो एंगल अल्फा का मतलब है कि ये विद द वाई एक्सिस है, ठीक हो गया। तो अब इधर आप क्या करेंगे, चलिए मैं बताता हूं वेक्टर फॉर्म में आप किस तरह लिख देंगे, एफ इज इक्वल टू तो f sin of alpha, तो f क्या है जी 20 न्यूटन है और sin of alpha आपने मालूम किया है जी 0.5 है into r यूनिट वेक्टर इधर आ जाएगा और 20 into 0.86 into j यूनिट वेक्टर, इधर से जो भी आता है मल्टीप्लाई कर लीजिए। अच्छा ये तो हमने की एक बात क्या थी कि अगर आपको वेक्टर गिवन हो और आपने उससे उसके कंपोनेंट्स फाइंड करने हो, अब इसकी ऑपोजिट मैं बात करता हूं कि अगर आपको कंपोनेंट्स गिवन हो और आपने वेक्टर फाइंड करना हो, तो फाइंडिंग वेक्टर फ्रॉम इट्स कंपोनेंट, तो किस तरह होता है, तो चले मैं जरा एक नजर यहां से देख लूं कि यही है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो
वेक्टर, कोई भी वेक्टर आपने देख लिया, कोई भी वेक्टर लेट से एफ है, तो वो एफ एक्स होगा इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस एफ वाई होगा इंटू जे यूनिट वेक्टर। तो अब वेक्टर हमने फाइंड करना है, उसके जो कंपोनेंट्स है fx और fy हमें नोन है, तो किस तरह फाइंड करते हैं वेक्टर? तो वेक्टर मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए f का मैग्नीट्यूड वो क्या होगा, वो आपको ऑलरेडी पता है, fx कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर एंड होल अंडर द रूट। अगर z कंपोनेंट हो तो z कंपोनेंट का भी स्क्वायर, लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं। और दूसरा होता है उसका एसोसिएटेड एंगल, तो थीटा। अब वो किस तरह फाइंड करते हैं? तो देखिए, जो राइट एंगल ट्रायंगल आपने बनाया कंपोनेंट से, फॉर एग्जांपल ये आपका एक वेक्टर है, इधर आपको नजर आ रहा है, इधर आपको नजर आ तो रहा है, लेकिन चलिए मैं इधर बनाता हूं, चलिए मैं इधर बनाता हूं, ये एक वेक्टर आपने बनाया, लेट सपोज ये एफ है, ठीक है। अब अगर मैं इसको इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करता हूं, तो ये आपके पास एफ वाई कंपोनेंट होगा और ये आपके पास जो है एफ एक्स कंपोनेंट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अब मुझे ये दोनों तो मालूम है और ये थीटा मुझे फाइंड करना है, ये थीटा। तो अब मैं किस तरह फाइंड करूंगा? तो मुझे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए जिसमें ये दोनों आए। तो आप इसको याद करते हैं, बाई सम पीपल हैव साइन ऑफ थीटा, सम पीपल हैव, पीपल हैव ये नहीं आ रहा, कर्ली ब्राउन हेयर, तो कॉज ऑफ थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये भी नहीं है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, सो टेंजेंट ऑफ थीटा में ये दोनों आ गए, तो इसका मतलब नाउ माई थिंग इज व्हाट, दैट आई हैव टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू एफ वाई बाय एफ एक्स। अब मैं, मेरे पास तो fy भी है, fx भी है और कैलकुलेटर भी है, तो मैं इधर से tangent inverse of fy by fx लेता हूं और मुझे इसका एंगल भी पता चल जाता है। तो I have found the magnitude, I have found the direction and that is what we need to find a vector। समझ आई? बिल्कुल आई। तो मेरे ख्याल में यहां पे वीडियो को मैं एंड करता हूं। ये इस वीडियो को मैंने इसलिए पहले किया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के रेजोल्यूशन को, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिजल्टेंट के लिए ये मुझे चाहिए और फिर डायरेक्शन ऑफ अ रिजल्टेंट के लिए भी ये मुझे चाहिए। तो मैं आपसे मुलाकात करता हूं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।